वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम बिंदु मैम। टुडे 30 जुलाई। आज हम क्लास 3 के बच्चे को मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। लेसन 6 डे 2 वीडियो 1 चैप्टर पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम लोग जानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। एडिशन को सेम जो है जोड़ कर क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। हेलो डू यू रिमेम्बर, मैं इसे बनाए। फिर आगे हमारा है लेटेस्ट प्रैक्टिस 6.1 पेज नंबर 60। चलिए निकालिए क्लास 3 के बच्चे। इसमें 1, 2, 3 फ्लावर दिया गया, ठीक ना। तो 1 + 1 + 1 अब इक्वल टू 3 हो गया। 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3। सेम इसी को क्या करेंगे, 3 × 1 इक्वल टू 3। तो ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। ये रिपीट किया गया और वो मल्टीप्लिकेशन में सेम आ गया। उसी प्रकार से फिर दिया गया है 3 मैंगोज है और 3 बार है, तो क्या करेंगे, 3 + 3 + 3 क्या कितना हो जाएगा हमारा। चलिए 2 नंबर का देखते हैं कितना मैंगोज है। 1, 2, 3 3 + 3 + 3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9। इस तरह से हम इसमें भर देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बनाना है तो क्या करेंगे, 3 × 3 = 9। 3 × 3 = क्या हो गया हमारा 9। सेम आ गया। फिर आ गया हमारा 3 नंबर में। इसमें हम लोग बनाएंगे तो 1 और 2 सॉल्व हो गया। फिर 3 नंबर में है 1, 2, 3, 4, 5 कैप है ना। तो इसे क्या करेंगे, इसे भी 5 + 5 = 10 कैप्स। ओके, उसके बाद हमारा हो जाएगा 5, तो कितना हमारा 5 × 2 = 10। सेम आ गया, यहाँ पे 2 बार में है 5। फिर आ गया हमारा है 4 नंबर। तो चलिए हम इसे 1, 2, 3 को सॉल्व कर लिए। आगे हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 है और इसे 2 बार रिपीट किया गया है। तो क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे, 8 + 8 = 60। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 8 2 बार दोहराया गया है, 8 × 2 = 60। ओके, फिर हमारा है 5 नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यह जो है 2 करके कितना बार में है, 5 बार में। चलिए 2 + 2 + 2 + 2 + 2 1, 2, 3, 4, 5 = 10। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है तो आइए 5 × 2 = 10। सेम आ रहा है ना। फिर आगे हमारा 6 नंबर। तो 1, 2, 3, 4 एपल्स है और ये 3 बार रिपीट कर गया है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। 4 + 4 + 4 = 2 3 बार रिपीट किया तो 16 एपल्स हो गया। और इसे हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो 4 × 3 = 12। अगर यह 4 बार रहेगा तो 4 + 4 + 4 ये हमारा 12, 4 × 3 = 12। इस तरह से हम देखेंगे और ये हमारा यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसे आप बनाएं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। इसमें हम लोग जानने के लिए कंप्लीट द ग्रिड्स मल्टीप्लाई, इसे 1 से 10 तक आप HW के तौर पे याद कर लें। फिर हम आगे की क्लास में प्रस्तुत होंगे। थैंक्स।